भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता ही है तो मैंने ट्रांसप्लांट करवा रखा है। पहले मेरा स्टार्टिंग से ऐसा था, ये ट्रांसप्लांट के पहले मतलब इतने बाल मेरे जड़ चुके थे, फ्रंटल जो है यहाँ से ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने इसीलिए कुछ तस्वीरें लगाई हैं यहाँ पे। ये ट्रांसप्लांट कराने के पहले की तस्वीरें हैं। फिर ये जब मेरा ट्रांसप्लांट कराने में जा रहा था, ये तब की, ट्रांसप्लांट के बाद की मैंने कुछ फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर करी हैं ताकि आपको ब्रीफली जो है वो पता लग जाए। वैसे तो मैं वीडियो डालता रहता हूँ, वहाँ पे मैंने सारी बातें बता रखी हैं, दोबारा से मैं आपको एक बार अपना जो जानकारी है जो पूरी प्रॉपर आपको बता देता हूँ। ये ऐसे जब मैं ट्रांसप्लांट कराने के बाद ये स्वेलिंग का, और अभी मेरे ट्रांसप्लांट को तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं कंप्लीट, तो मैं उसी का जो रिज़ल्ट है आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को देखते रहें अंत तक। तो ठीक है दोस्तों, बाकी बातें जो है वो बाद में करते हैं, वो काफ़ी लंबी जोड़ी बहस जो हमारी है वो हो चुकी है। अब देख लो भाई, रिजल्ट जो है मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना? अब कोई कमी, कोई गुंजाइश तो नहीं रह गई किसी चीज की? अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, क्या रुमाल बांधा हुआ है? यार क्या करूं, मेरा मन नहीं कर रहा यार बाल दिखाने का। आप लोग लगाओगे मेरे बालों को नजर, आए हुए बाल जाएंगे मेरे जड़। यार ऐसे थोड़ी ना होता आपको ट्रांसप्लांट दिखाऊं यार, अपना हद हो गई यार, नजर नहीं लगाना मेरे भाई। चलो छोड़ो यार, दिखाई देता हूँ आपको। हेलो, पहले सब्सक्राइब करो चैनल, नीचे प्यारा सा कमेंट करो एक बढ़िया सा, और वीडियो लाइक करो, इसको शेयर कर दो फटाफट। हाँ जल्दी करना। अब वैसे डोले चोले कैसे लग रहे हैं अपने यार? वैसे भाई आपका स्मार्ट लग तो रहा है, रुमाल बांध के मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही रहने देते हैं। चलो यार दिखाई देते हैं। लो भाई, ये है हमारा रिजल्ट आफ्टर 5 मंथ। अभी 5 महीने हो गया मेरे ट्रांसप्लांट को, और पहले का पूरी डिटेल मैंने आपको जब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी वो मैंने सब बता दिया आपको। और 5 महीने के बाद रिजल्ट भाई कुछ ऐसा है भाई, ये जो हेयर इस तरह से आए हैं, बीच में थोड़े सफेद बाल भी हैं अभी, अब एज हो रही है ना, बूढ़े हो रहे हैं हम इसलिए, ठीक है। तो जब भी ट्रांसप्लांट कराना हो ना, देखो ये पता क्या होता है, हर बार ना हम यही सोचते हैं कि यार फटाफट हो जाए ट्रांसप्लांट, जल्दी से जल्दी हो जाए और नज़दीक हमारे जितनी आगे पीछे कहीं से भी हम करवा लें। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अगर आप मेरी बात माने तो। यार करो सर्च, करो सबसे पहले सर्च करो यार, सर्च में जितना टाइम आप लगा दोगे आगे आने वाले 5-6 महीने जो हैं वो आपके लिए, वो फिर आपका रिजल्ट जो है वो वहां पे काम आ जाएगा आपका, जो 6 महीने वहां वेस्ट करोगे ना अगर सर्च करने में जो टाइम लगता है आपको। अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट जो सेंटर है उसकी सर्च कर लो, उनके पेशेंट्स आजकल ऑनलाइन सभी का रिव्यू मिल जाता है, वो आप चेक कर लो, फिर अच्छा कोई भी आपको रिव्यू मिलता है कहीं से तो वहां से ट्रांसप्लांट करवाएं आप, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो बार बार नहीं कराया जा सकता, हर कोई आदमी अफोर्ड भी नहीं करता है और इतनी पेन भी अफोर्ड नहीं करेगा बार बार कि मैं बार बार उसी प्रोसीजर से निकलूं, पूरा हेड शेव होता है, फिर बाल आने में 6-7 महीने मतलब साल एक लग जाता है। मेरा दिसंबर एंडिंग में ट्रांसप्लांट हुआ था और आज देख लो अब जाके मेरे बाल आए हैं, अब देख रहे हो कितना टाइम लगता है इसमें, बहुत सारा टाइम लगता है। इसलिए पहले ध्यान लें, ध्यान दें अपने जो भी आप सर्च कर रहे हो उस पर पूरा ध्यान रखें यार। तो ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट मेरा फिलहाल यही रिजल्ट आ गया, नंबर मैंने जहां से करवाया था वो मैंने ऑलरेडी मेरी पुरानी वीडियो में पड़ा हुआ, जाके चेक कर लेना वहां पे, कोई दिक्कत होगी कोई क्वेरी है आप कमेंट करो और इस वीडियो को आगे शेयर करो, कमेंट कर देना प्यारा सा, अपने भाई को सब्सक्राइब करो यार, जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार। ओके भाई, फिर मिलेंगे दोबारा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय